तो हमको कई बार जरूरत पड़ती है कि हमको ज्यादा वोल्टेज की इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए। कार में 12 वोल्ट चाहिए, कंप्यूटर में 32 वोल्ट चाहिए, मोबाइल्स में 6 वोल्ट चाहिए, 9 वोल्ट चाहिए, ट्रांजिस्टर में अलग चाहिए, ऐसे हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए। और जो हमारा एक स्टैंडर्ड सेल बनता है वो 1.5 वोल्ट के आसपास का बनता है। अच्छा, तो हम वोल्टेज ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। एक एक सेल जितनी करंट देता है उतनी करंट से एक बल्ब डिम जलता है, थोड़ा सा जलता है। हम चाहते हैं कि उसकी लाइट बहुत अच्छी हो, ज्यादा जले और वो ज्यादा करंट ले। जैसे हमने कार का सेल्फ घुमाया, सेल्फ को ज्यादा पावर के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए। उतनी सारी करंट बैटरी देना चाहे तो भी नहीं दे पाती। तो बैटरी की करंट का एक लिमिटेशन होता है। क्या लिमिटेशन होता है? देखिए, बैटरी की करंट का ये लिमिटेशन होता है दैट बैटरी हैज गॉट ए सोर्स ऑफ ईएमएफ प्लस इट हैज गॉट ए इंटरनल रेसिस्टेंस। ये एक सेल बना। अब इस सेल में इस आर की वैल्यू हम कम करते जाते हैं, व्हाट विल हैपन टू करंट? आई आई विल गो ऑन इंक्रीजिंग। आर को कम करेंगे, आई बढ़ता चला जाएगा। हमको आई बहुत ज्यादा चाहिए अपने कार के सेल्फ स्टार्टर में, तो उसमें हम बहुत मोटी तार लगाते हैं। उसके मोटर बनाने में मोटी तार लगाने से क्या होता है? रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस उसका हम ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं। जीरो करके हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अब इसमें बहुत करंट जाएगी। लेकिन जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो देखते हैं करंट थोड़ा सा बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि उस समय करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस। ये वाले को तो हमने जीरो कर दिया, पर इसको तो जीरो नहीं कर सकते क्योंकि ये बैटरी के अंदर। ओके, तो ई अपॉन आर, क्या करंट इससे ज्यादा हो सकती है? आंसर इज नो, दिस इज मैक्सिमम करंट। तो एक सेल से आप इनफिनिट करंट नहीं ले सकते ये सोच के कि मैंने आर को जीरो कर दिया। और हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आर को जीरो कर दो तो आई कितना हो गया? इंफिनिटी। पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें आर को हम जीरो नहीं कर पाते, इंटरनल रेसिस्टेंस हमेशा उसमें रहता ही है। इसलिए आर जीरो नहीं होगा तो आई इंफिनिटी कभी नहीं होगा, वो एक लिमिट पे जाके रुक जाएगा और वो लिमिट बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी। इसलिए अगर आप चाहें कि दो तीन सेल को जोड़ के या कुछ सेलों को जोड़ के 12 वोल्ट बना लें और उससे कार चालू कर लें, नहीं होती। जिससे हम टॉर्च चलाते हैं वो वाले सेल आप 10 भी लगा लीजिए और उससे कार का सेल घुमाइए तो नहीं चलती, वो उतनी करंट नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। ओके, तो इस तरह से हमको सेल को कंबाइन करके ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट अगर चाहिए तो कंबाइन करने के कुछ तरीके होते हैं कि सेल को किस तरह से कंबाइन किया जाए ताकि हमको वोल्टेज भी ज्यादा मिले और हमको करंट भी ज्यादा मिले। अब वो जो कॉम्बिनेशन के मेथड है वो आज हमने स्टडी करने हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, तो सेल्स के कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन के दो मेथड होते हैं और वो दोनों मेथड आप कैपेसिटर रेसिस्टर दोनों में पढ़ चुके हैं। सेम मेथड कौन कौन से दो मेथड हैं? कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। तो सिंपली वही लेते हैं, कॉम्बिनेशन सेल्स कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसमें हम पहले लेते हैं इन सीरीज। सीरीज में सेल्स को कंबाइन हमने किया इस तरह से, ऐसे। कन्वीनियंस के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे हर सेल का ईएमएफ ई है। एक का E1, एक का E2, एक का E3, ऐसा नहीं लेते, अदरवाइज इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टार्ट को इससे करते हैं दैट देयर आर सेल्स ऑफ द सेम ईएमएफ ई। ऐसे हमने जोड़े एन सेल्स और एन सेल को जोड़ा और इसके बाद यहां पर हमने अपना कार का हेडलाइट, कंप्यूटर, सेल, कोई भी लोड यहां पर लगा दिया, दैट इज रेसिस्टेंस। एक चीज हमको मालूम है, हर सेल के साथ में उसका
उसका अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम शो कर रहे हैं हर सेल के साथ में। ये हमारा एक सर्किट बना, ये किसका सर्किट है, द सेल्स आर इन सीरीज। ओके, अब इसकी अलग अलग चीजें देखिए, व्हाट विल बी द टोटल ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ द इक्विवेलेंट या ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, यहां से इसने 1.5 वोल्ट वर्क किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, तो चार्ज पे टोटल वर्क सबका एडअप हो जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक सबने उसको एनर्जी दी, सबका प्लस लेफ्ट साइड पे है, सब उसको एनर्जी देते चले जाते हैं। तो इन दोनों के बीच जो हमको ईएमएफ मिलता है, दैट इज एन टाइम्स ई, 1E, 2E, 3E, 4E, कितने सेल है, एन सेल है, तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया, एन टाइम्स ई। ये क्या हुआ, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज। तो सेल्स को जब भी सीरीज में जोड़ेंगे उसका ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा, कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, एन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर एन सेल्स है, टू सेल्स है, तो टू हो जाएगा, ई1 और ई2 है तो ई1 प्लस ई2 हो जाएगा। उसके बाद व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज दिस आर प्लस 1, 2, 3, 4, ऐसे कितने हैं, एन आर। देखिए यहां से करंट ऐसे निकली और सेम करंट को ऐसे लूप में घूमना पड़ रहा है, इसका मतलब एक ही करंट पूरे में से जा रही है, इसलिए ऐसा वापस में कैसे माने जाएंगे, सीरीज में एंड नॉट इन दी पैरेलल, और सीरीज में सब रेसिस्टेंस आपस में ऐड हो जाए। सो दिस इज दी डेड रेसिस्टेंस। नाउ व्हाट विल बी करंट इन द सर्किट, करंट, दिस करंट विल बी टोटल ईएमएफ एंड ई अपॉन टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस एनएफ, this is the total current, any upon R plus N R। अब क्या होता है कि ये current बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इसका फैसला करने के लिए हम लोग comparison करते हैं। किस तरह से comparison करते हैं कि अगर इसमें दो cases हो सकते हैं, एक there are two possibilities, one is that external resistance is very large, other is external resistance is very small। तो दोनों possibilities में देखिए, two possibilities, external resistance is much larger than internal resistance, ये that means internal resistance को हम मान लेंगे zero, ये इंटरनल रेसिस्टेंस को अगर हमने जीरो माना तो आई करंट इन द कॉम्बिनेशन कितनी हुई, इस आर को जीरो कर दीजिए तो व्हाट विल बी द करंट इन द कॉम्बिनेशन, एन ई अपॉन आर, एन टाइम्स ई अपॉन आर। अगर ये सिंगल सेल होता तो आई फॉर द सिंगल सेल, एक सेल होता तो एन की वैल्यू वन होती, और सिंगल सेल होने से स्मॉल आर तो जीरो है, इसकी करंट की वैल्यू कितनी हो जाती, ई अपॉन आर। कॉम्बिनेशन में करंट कितनी हुई, एन ई अपॉन आर, सिंगल में कितनी होती, ई अपॉन आर। किसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने, स्मॉल आर, आर नेग्लेक्टेड। ओके, तो आप बताइए करंट बढ़ी या सेम रही, तो आंसर है करंट बढ़ी, कॉम्बिनेशन सिंगल में करंट कितनी होती, ई अपॉन आर, और कॉम्बिनेशन में करंट कितनी है, एन टाइम्स ई अपॉन आर। तो इसमें एन का मल्टीप्लाई हुआ है, दैट मींस करंट विल ऑल्सो इंक्रीज, करंट इंक्रीज। ओके, ये दो पॉसिबिलिटी में पहली पॉसिबिलिटी थी, अब दूसरी पॉसिबिलिटी हम देते हैं, आर इज मच स्मॉलर देन आर, ये
ये बाहर का जो रेसिस्टेंस है ये बहुत छोटा है, जैसे कार का सेल्फ, कार की जो सेल्फ मोटर होती है वो बड़ी मोटी कार से बनाते हैं, उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस से भी बहुत कम होता है। मान लो उसका रेसिस्टेंस बहुत कम है, सो दैट वी कैन टेक आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। अब इसकी वैल्यू बताइए, करेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, करेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन कैपिटल आर को हमने जीरो कर दिया, देन व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन करेंट, एन एन कैंसल हो गया, ई अपॉन आर, ई अपॉन स्मॉल आर, दिस विल बी द करेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। अच्छा कितने सेल लिए हमने, एन, हमने कहा ऐसा करो एन सेल बन दो, एक ही सेल हो, सिर्फ एक सेल हमने लिया एक, और एक सेल लेके उसकी करंट बनाई आई विद द सिंगल सेल, तो सिंगल सेल का ईएमएफ कितना, ई, और रेसिस्टेंस कितना, हा, कैपिटल आर तो जीरो मान लिया, फिर से करंट कितनी आई, ई अपॉन आर, देखिए करंट में कोई अंतर, कोई अंतर नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत छोटा है तो करंट में कोई अंतर नहीं आएगा, नो चेंज इन करंट, नो चेंज मान लीजिए, या इसको हम कह सकते हैं नो गेन इन द करंट, करंट का हमको कोई फायदा नहीं होगा, नो गेन इन करंट, ये हो गया सीरीज। तो फिर से देखिए, अब इसके क्वेश्चन किस तरह से, क्वेश्चन इस तरह से कि हमने सीरीज में सेल्स को कंबाइन किया, हमको करंट ज्यादा चाहिए, उसके लिए क्या केस है, क्या होना चाहिए, करंट हमको ज्यादा चाहिए तो उसके लिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस शुड बी लार्जर देन इंटरनल रेसिस्टेंस, राइट। इसको मैं उल्टा करता हूं, इफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज लार्जर देन इंटरनल रेसिस्टेंस देन हाउ शुड बी कंबाइन द सेल्स so that we get a large current, so answer hai we should combine it in series, we get a large current, okay। abhi hum karte hain parallel mein, usme fir aapko aur clear samajh mein aayega dono mein kya difference hota hai, okay। so now we take as parallel combination mein ye internal resistance, this is second, इस तरह से हमने यहां पर n cells की, और इन सब को ऐसे पैरेलल में जोड़ के ये दो टर्मिनल निकाल दिए। Now अब ये पैरेलल में दिखाई दे रहा है सबको, okay। Now this each one has got EMF E एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर, इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ हमने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया, दिस कैपिटल आर, ओके। सो दिस इज अवर सर्किट फॉर सेल्स इन पैरेलल, ओके। ये सेल्स इन पैरेलल बन गया, इसमें सबका प्लस एक तरफ, सबका माइनस एक तरफ, दिस इज कंपल्सरी कंडीशन, नहीं तो वो आपस में ही सर्किट बना लेंगे। नाउ ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, हर एक का प्लस एक ही में लगा हुआ है, तो इसने जब चार्ज को यहां भेजा तो देखिए चार्ज की एनर्जी, इसने चार्ज को यहां एनर्जी देके भेजा और चार्ज कहां चला गया, रेसिस्टेंस, क्या उसको दूसरे सेल से एनर्जी लेने का मौका मिला, नहीं मिला। तो हर चार्ज के पास कितनी एनर्जी है, E, यहां से इसने अपना चार्ज भेजा, यहां से इसने अपना चार्ज भेजा, तो चार्ज एक की जगह तीन चले गए, पर हर चार्ज के पास एनर्जी कितनी है, E, क्यों, क्योंकि वो एक ही से पार होता है। इसमें क्या होता था, यहां से चार्ज को जाना है और यहां से एंटर करना है, यहां से यहां जब जाता है तो ये उसको ई एनर्जी देता है, फिर जब ये यहां से जाता है तो ये फिर ई एनर्जी देता है, फिर यहां से जाता है
फिर ई एनर्जी देता है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है एनी, पर यहां पर नहीं हुआ, यहां पर वो चार्ज एक ही से जाता है, यहां पर एक ही से जाता है, तो हर चार्ज के पास कितनी एनर्जी है ई, तो यहां हम जब नापते हैं तो हमको ई एम एफ कितना मिलता है ई, उससे ज्यादा नहीं मिलता। सो पैरेलल में ई एम एफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ई, जो कि एक सेल का है वही कॉम्बिनेशन का होता है, नहीं बदले। डेढ़ वोल्ट डेढ़ वोल्ट डेढ़ वोल्ट के 10 सेल हमने पैरेलल में लगा दिए, फाइनल आपको कितना मिलने वाला है 1.5, कोई अंतर नहीं। तो ये ईएमएफ इसका मिलेगा। उसके बाद रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए ये आर 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 ये सब आपस में कैसे है पैरेलल, अगर ये सब पैरेलल है तो उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर अपॉन एन, हाउ मेनी आर देयर एन, अगर एन रेसिस्टेंस पैरेलल में आपस में कंबाइंड हो तो कितना हो जाएगा, आर अपॉन एन। ओके, अगर ये आर अपॉन एन इसका है, देखिए यहां से चार्ज चला यहां से ऐसे, कितना रेसिस्टेंस आया यहां से यहां तक, आर अपॉन एन, ये टोटल रेसिस्टेंस आया आर अपॉन एन, उसके बाद ये यहां से चल के यहां तक गया, तो ये वाला आर इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज है कि पैरेलल, यहां से चार्ज चला यहां तक आया, ये सारे आर आपस में कैसे हैं पैरेलल, लेकिन ये जब यहां चल के आया तो ये वाला आर कैसा है, सीरीज, इसलिए पैरेलल के लिए ये यूज किया और सीरीज के लिए ये यूज किया, ये टोटल रेसिस्टेंस। समझ में आया, ऊपर वाले का एक यूनिट नीचे वाले का एक यूनिट, ये दोनों यूनिट आपस में सीरीज में, और ऊपर वाले के अंदर जो छोटे छोटे आर हैं वो सब आपस में कैसे हैं पैरेलल, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन आ गया। इसको थोड़ा सा हमने सिंपलीफाई कर दिया, डिनोमिनेटर एक बना दिया एन, सो दिस विल बी एन का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एन आर प्लस दिस इज रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब अगर ये रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन है तो करंट कितनी होगी, तो मैं करंट का एक्सप्रेशन लिखता हूं, करंट ऑफ द कॉम्बिनेशन आई सी, करंट इज इक्वल टू ई एम एफ ई अपॉन रेसिस्टेंस एन आर प्लस आर अपॉन एन। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दिस इज एन ई अपॉन एन आर प्लस, ये आ गई करंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। ओके, अब ये करंट बढ़ी कि कम, फिर से वही क्वेश्चन है, उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, दो मेथड बनाकर टू केसेस। पहले केस में लेते हैं आर इज लार्जर देन आर, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज लार्जर देन इंटरनल रेसिस्टेंस, तो हम किसको जीरो कर देंगे, स्मॉल आर को जीरो कर देंगे, तो एक बनाइए करंट ऑफ कॉम्बिनेशन और एक करंट ऑफ द सिंगल सेल। करंट ऑफ कॉम्बिनेशन छोटे आर को जीरो कर दीजिए, छोटे आर को जीरो कर दीजिए, क्या बने करंट, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर। और अगर हमारे पास एक ही सेल हो तो उसका ईएमएफ रहेगा ई, एक सेल ई और रेसिस्टेंस आर, छोटे आर को नेगलेक्ट कर दिया, तो करंट कितनी हो जाएगी, ई अपॉन आर, अगेन द करंट फॉर सिंगल सेल इज ई अपॉन आर, एनी डिफरेंस, नो डिफरेंस, सो नो गेन इन करंट, इसमें करंट में कोई गेन नहीं, ठीक है, अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बड़ा है तो। उसके बाद हम सेकंड केस लेते हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू इंटरनल रेसिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वी कैन टेक अप्रोक्सीमेटली जीरो, इन दैट केस आई सी, बड़े वाले आर को यहां पर हमने जीरो कर दिया, तो ये बचा एन ई अपॉन आर, एन टाइम्स ई अपॉन, और सिंगल अगर हम सेल लेते,
सिंगल सेल लेते तो सिंगल सेल का ई ई रहता और बाहर का आर आर रहता, सॉरी ये आर जीरो हुआ है, ई अपॉन आर सिंगल सेल। तो कॉम्बिनेशन होने से ये आर को हमने जीरो किया तो ये पूरा जीरो हो गया, एन ई अपॉन आर, एन ई अपॉन आर सिंगल सेल होने से, सिंगल सेल होने से ये आर को हमने जीरो किया और इसको वन कर दिया, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर। तो करंट कैसी हो गई, करंट कॉम्बिनेशन में लेने से करंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी। यहां पर कॉम्बिनेशन करने से हमको फायदा हुआ कि नहीं, फायदा हुआ, सो करंट गेन, करंट गेन, करंट नो गेन। अब ये कुल मिलाकर आपके पास चार केसेस हो गए और इसी पर क्वेश्चन आ गए। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चन किस तरह के हो, इसके क्वेश्चन है कि एक कार में हमको बैटरी लगानी है और कार का सेल्फ ड्राइव होता है 12 वोल्ट से, 12 वोल्ट हमको कैसे मिलेगा? तो आंसर है 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है, तो 1.5 वोल्ट के कितने सेल लगाने पड़ेंगे सीरीज में, क्यों सीरीज में ईएमएफ इंक्रीज होता है, तो हमने सीरीज में लगाए 8 सेल्स। तो 8 सेल लगाने से उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 8 × 1.5 = 12, तो आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा, लेकिन हमको करंट नहीं मिलती है। उस केस में हमारा जो है इंटरनल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है सेल्फ का बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, और सीरीज में हमने जोड़ दिया तो करंट का क्या होगा, नो गेन इन दी करंट। आठों को सीरीज में जोड़ा है तो सबके इंटरनल रेसिस्टेंस भी सीरीज में जुड़ गए, बहुत हाई इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाता है, उसके कारण उसकी करंट नहीं बढ़ती, करंट नहीं बढ़ती सेल्फ चालू नहीं। तो करंट कब बढ़ती है, करंट कब बढ़ती है, हमारा आर इस आर से बहुत छोटा है एंड देयर इज अ करंट गेन, ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 1.5 1.5 1.5 पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका ईएमएफ हमको कितना मिलने वाला है, 1.5 ईएमएफ से सेल्फ नहीं चलता है, उसको 12 वोल्ट चाहिए, तो हमको वोल्टेज भी हाई चाहिए और करंट भी हाई चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो आंसर है हम सीरीज में भी बनाएंगे और पैरेलल भी बनाएंगे। तो एक सीरीज बनाएंगे, एक माला उसकी बनी रहेगी, 8 सेल उसमें रहेंगे, फिर उसके नीचे दूसरी, उसके नीचे तीसरी, उसके नीचे चौथी, हर एक का वोल्टेज कितना है 12, उसके बाद सबको पैरेलल में जोड़ देंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ सेम रहेगा कितना 12, लेकिन करंट बढ़ जाएगी। इस तरह से हम सीरीज में और सारे सीरीज वालों को पैरेलल में, ऐसे हमने सीरीज बनाई और इन सब सीरीज को इधर पैरेलल में जोड़ दिया, तो ये जो चीज बनी दैट इज नोन एज बैटरी। सीरीज एंड पैरेलल दोनों मिलाकर हम बैटरी बनाते हैं और उस बैटरी से कार के लिए हम ज्यादा वोल्टेज भी ले सकते हैं और ज्यादा करंट भी ले सकते हैं। फिलहाल आप देखिए ये चार चीजें ये आपको याद रखनी है और इसके क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि अगर हमारा, सुनिए, इंटरनल रेसिस्टेंस हाई है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लो और हमको करंट ज्यादा चाहिए तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो उसको आप लिखेंगे क्वेश्चन को और ध्यान से चारों चीजों को याद करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको मिल रहा है। लिखिए जरा, स्मॉल आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, दिस आर इज स्मॉलर, मच स्मॉलर देन आर एंड वी नीड गेन इन करेंट, दिस इज व्हाट वी नीड। बताइए आप कैसे यूज करेंगे सीरीज की पैरेलल,
सीरीज, ओके सीरीज में देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर इज लार्जर देन स्मॉल आर, कैपिटल आर इज लार्जर देन स्मॉल आर, सीरीज में क्या होता है करंट विल इंक्रीज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज, दैट इज करेक्ट। इस तरह से हम इसको चुना करेंगे, इसको देखकर हमको चुनना है। और अगर इसी को हम ऐसे उल्टा कर देते इस तरह से, तो आप क्या चुनते, स्मॉल आर इज लार्जर देन स्मॉल आर इज लार्जर देन कैपिटल आर, उस समय हमको ये कौन सा कॉम्बिनेशन मिलता है, टेन। ये समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। नाउ वी विल टेक कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, सीरीज प्लस पैरेलल, दैट विल बी बैटरी। बैटरी के बारे में बहुत ब्रीफली हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। लेट अस से देयर आर n नंबर्स ऑफ सेल्स इन वन रो एंड देयर आर टोटल m रोज, m रोज, हर एक के साथ इंटरनल रेसिस्टेंस r लगा हुआ है, और इस बैटरी के साथ हमने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया r। अब बताइए इस हरे बैटरी के सेल का ईएमएफ है E, एक सेल का ईएमएफ E, तो बताइए इस बैटरी का टोटल ईएमएफ कितना होगा, एम E, क्योंकि ये सीरीज में है E, 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 कितने N, तो इसका कितना हुआ N, पैरेलल में होने से EMF को कोई अंतर नहीं आता, इसलिए EMF टोटल कितना रहेगा N into E, this is total EMF, okay, total resistance जरा निकालिए इसका, ये important है, total resistance कितना होगा, ये थोड़ा resistance की exercise आपकी होगी, इसमें series में R, 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 कितने हैं N, तो टोटल रेसिस्टेंस एक लाइन का कितना होगा एनआर, दूसरी लाइन का एनआर, तीसरी लाइन का एनआर, चौथी लाइन का एनआर, और ये सब लाइनें आपस में कैसी है पैरेलल, कितनी लाइनें हैं एन, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आंसर है टोटल रेसिस्टेंस ऊपर का हो गया एन आर अपॉन एन, ये बैटरी के अंदर का, और उसके साथ ये वाला आर कैसा है सीरीज, यहां से पूरी करंट यहां से ऐसे आई और यहां से ऐसे गई, तो इसके अंदर का रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस कितना मिला एन आर अपॉन एम, और उसके साथ ये सीरीज में और आ गया कैपिटल आर, सो दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस, ये जो टोटल रेसिस्टेंस है दिस वी कैन राइट एज एन आर प्लस एम आर अपॉन एम। तो करंट ऑफ द बैटरी, करंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर अपॉन एम, दिस इज इक्वल टू एम इंटू एम, ये एम ऊपर चला गया, एम इंटू एम ई अपॉन एन आर प्लस एम, ये आ गई टोटल करंट, व्हाट इज एम इनटू एम, एम नंबर ऑफ रोज, एम वन सेल, एम नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, भाई बताइए टोटल सेल इसमें कितने लगे हुए, एम इनटू एम, तो ये क्या बताता है आपको टोटल सेल, टोटल सेल ये हमको क्या देता है, सीरीज में कितने सेल है ये हमको क्या देता है, कितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज, एक सीरीज में कितने सेल्स हैं, और ये टोटल सेल, इससे हमको इसकी करंट की वैल्यू पता लगती है, हर मैन्युफैक्चरर ऐसा निकाल लेता है कि उसको करंट की कितनी रिक्वायरमेंट है और उसी के अनुसार वो बैटरी बनाता है, ठीक है। अब अगर हमको करंट ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो उसकी शर्त क्या है, ज्यादा से ज्यादा करंट की शर्त है, उसको मैं मैथमेटिकली यहां नहीं बनाऊंगा,
सॉल्यूशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट व्हेन न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो. न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो कब होगा? जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. इक्वल होंगे का मतलब क्या है? एन आर इज इक्वल टू एम आर. सो एन अपॉन एम इज इक्वल टू आर अपॉन आर. जिस सेल को लेके हम बैटरी बनाने जा रहे हैं उस सेल का आर हमको पता होता है. कार के सेल को जब हम स्टार्ट करते हैं उस सेल का रेसिस्टेंस हमको पता होता है. तो ये दो चीजें हमको मालूम है. उससे हम क्या डिसाइड कर लेते हैं? इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए. किसका रेशियो? नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ रोज. उससे डिसाइड करके मैन्युफैक्चरर अपने सेल बनाते हैं. जितना उनको इंटरनल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है उसके अनुसार वो अपनी बैटरी स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है. सो दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट. ये वाली जो एक चीज है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है. The condition for maximum current. What is condition for maximum current? NR is equal to MR. और आपको जरूर याद रखना है. M is number of cells in one row. M is total number of rows. इस तरह से ये matrix बनाई जाती है. Okay? तो इस तरह से अलग-अलग हम combination लेते हैं और अलग-अलग battery मिलती है. ये एक battery है जो मैं इसमें use करता हूँ. This is for transistor radio. And this is a, नहीं लिखा है, 9 volt battery. जबकि एक सेल कितना होता है? 1.5 volt. तो 9 volt के लिए कितने सेल सीरीज में होंगे? 6 सेल्स सीरीज में. उसके बाद उसको पैरेलल में 6 करके जितने ज्यादा बनाएंगे उतनी ज्यादा हमको करंट मिलती जाएगी. इसीलिए 6 वोल्ट की ये बैटरी है. और अगर 6 वोल्ट की बैटरी आपको मोटरसाइकिल के लिए चाहिए तो ये नहीं चलेगी. क्यों? क्योंकि इसमें 6 वोल्ट के उन्होंने 4 सेल लगा दिए हैं. हमारा काम चलता है लेकिन 4 सेल लगाने से मोटरसाइकिल का काम नहीं चलता. वो कितने ऐसे रो लगाएंगे 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट. उसमें हो सकता है उनको 20 रो लगाने पड़ेंगे. 20 रो लगाएंगे तब जाके हमको पूरी करंट में मिलेगी. वोल्ट टू 6 ही मिलेगी. इसलिए वो वाली बैटरी थोड़ी सी बड़ी होती है. कार की बैटरी इसलिए और बड़ी होती है. ट्रक की बैटरी और ज्यादा बड़ी होती है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा होते हैं. ठीक है. तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं. अभी जब हम लोग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस करेंगे इसी के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें इसके न्यूमेरिकल आएंगे कि बैटरी किस तरह से फॉर्म करती है.